Namaskar. Mera gala thoda baitha hua hai. So I would like to ask for excuse. जब हम अविरलता की बात करते हैं, गंगा की प्रिस्टीन की बात करते हैं, तो गंगा का प्रिस्टीन का क्या मतलब है? Human beings are also part of biodiversity. It's a different thing that human as a species has become a dominant species, but is also a part of biodiversity. In the morning, Shashi Shekhar ji very nicely put it that as a part of natural processes, we have something called as part, something called as product. Who decides what is part and what is product? It's again human beings who decide what is part and what is product. And all this struggle that we are trying to have is essentially to figure out what is part and what is product. And how do we strike a balance between part and the product? I think, so the major question before us is essentially to talk about what we considered as part and what we considered as a product. जब हम गंगा की वेग की बात करते हैं तो हमारी ही माइथोलॉजिकल इसमें हम स्टोरी में सुनते हैं कि जब गंगा धरती पे आने वाली थी तो उसका वेग इतना था कि उससे धरती को संभालना बहुत मुश्किल था। तो हम अपनी कहानी में बताते हैं कि शंकर ने अपनी जटाओं में उस नदी को बांध लिया, राइट? उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये था कि उसके वेग को कंट्रोल करना। तो वेग को कंट्रोल करना एक नियम है, एक नीति है, और वो प्रकृति से भी होती आ रही है। तो जो हम आज का फॉरेस्ट बोलते हैं ऊपर के, इसमें मेरे हिसाब से गंगा की जटायों की यदि बात करते हैं, जटाओं की बात करते हैं, तो ऊपर का जो फॉरेस्ट है वो गंगा की जटा है। अब ये बात अलग है कि हम उसको ही उखाड़ने में लगे तो विनाश स्वाभाविक है। और ये जो जटाएं हैं ये खाली वहीं नहीं रुकती है, ये गंगा सागर तक फैली हुई है। तो जो हम गंगा के प्लेन क्षेत्र में या अल्टीमेटली जाके सुंदरवन तक की बात करते हैं वो भी पार्ट ऑफ गंगा का जटा है। तो वो एक वेग को नियंत्रित करने की बात है और उस प्रक्रिया का अपना महत्व है। और मेरे हिसाब से यदि हमको आज के दृष्टि में देखना है तो जो गति है उसको कंट्रोल करने के लिए ही हम कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। ये बात अलग है कि आज के जो मॉडर्न इंजीनियरिंग और साइंस है उसके थ्रू जो हमने गति को कंट्रोल करने का समझा वो ये समझा कि हम डैम बना ले, रिजर्वायर बना ले, उससे उसकी गति, बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उसमें भी कहीं ना कहीं पानी नीचे छोड़ने का ही है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अलग जैसे ओके। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रगल है हमारा वो इसके ऊपर है कि पानी की गति को यदि जैसे शंकर की जटाओं से कंट्रोल किया था, क्या हम कैसे कर सकते हैं? जैसे बताया कि फ्लड प्लेन में जब पानी बहता है तो वो भी एक गति को कंट्रोल करने का तरीका है। जो अंडरग्राउंड रिचार्ज की बात करते हैं वो भी एक पानी के गति को रिटार्ड करने का तरीका है। और वो जो ज़मीन में स्टोर होता है और वो धीरे 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 फिर नदी में आता है। तो जब हम समुंदर में पानी जाने की बात करते हैं, अल्टीमेटली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से जो पानी आएगा वो जाएगा कहाँ? या तो इवापोरेशन होगा। तो क्या हमने इवापोरेशन और इवापोट्रांसपोरेशन इतना बढ़ा दिया है कि समुंदर में पानी ही नहीं जा रहा है? समुद्र में तो पानी जा रहा है, इतना तो इवापोरेशन और इवापोट्रांसपोरेशन नहीं बढ़ाया है। तो अल्टीमेटली तो पानी जाता ही है। सवाल ये है कि क्या बारिश के 10 दिन 15 दिन जो कि अब हम क्लाइमेट चेंज के हिसाब से बोलते हैं कि वह बहुत कम हो गया है, तो जितना पानी आता है वो कम दिनों में समुद्र में चला जाता है। और उसको कहीं ना कहीं हम कोशिश करते कहते हैं कि शायद वो फेस्ट है हमारे लिए,
बट पूरे साल में ओवरऑल यदि आप देखें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से जो भी पानी इसके वाटर शेड में या बेसिन में आता है वो तो नदी समंदर में जाना ही जाना है। दूसरी जो बात है उसका कंपोजिशन क्या होता है, राइट। तो ऑब्वियसली जब हम ये इंटरवेंशन करते हैं, हाइड्रो रिजर्वायर्स बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसके कंपोजिशन पे घात करते हैं, राइट। उसका जो सेडिमेंट बैलेंस है उसके ऊपर घात करते हैं, तो वो एक है। तो जो हम नदी का प्रवाह बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पानी नहीं है, उसमें आने वाले सभी चीज़ें। और हमारे बैलेंस, फिर जो हम बात कर रहे हैं बैलेंस किसका है, नदी में रहने वाले गंगा की संतान, नदी के बगल में रहने वाली नदी की संतान और नदी के बेसिन में रहने वाले गंगा की संतान, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो, इसी के ऊपर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। तो बात हमें इस पे सोचना है कि कैसे हम उस डिस्ट्रीब्यूशन को, ये स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक है, कि इसके बारे में हमें बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक अविरलता की जब हम बात करते हैं तो मेन यही है कि यस, यदि हम उसका प्रवाह ऐसे तरीके से रोकते हैं जिससे कि उसका अपना कंपोजिशन बदल जाता है, राइट। और नदी में सिर्फ पानी की बात नहीं करते हैं, उसमें उसके जीव जंतु ऊपर से नीचे आते हैं, उसका प्रवाह होता है, उसका सेडिमेंट का प्रवाह होता है, और उसके ऊपर यदि हम घात करते हुए उस प्रवाह पर शिथिल करते हैं तो हमारे लिए समस्या है। और यह पूरा जो सवाल हमारे सामने है वो ये है कि इसका बैलेंस हम कैसे बना कर रखें। तो मेरे हिसाब से तो स्ट्रगल ये है, राइट। और ये कहने से कि खाली प्रिस्टीन रखेंगे, और ये प्रिस्टीन का मतलब क्या है, यदि ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेचर क्रिएटेड स्पीशीज देन वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रिस्टीन थिंग्स, राइट। सो वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन नदी में कितना है, नदी के में जो रहने वाली संतान है उनको कितना देना है, और नदी के बगल में रहने वाली जो संतान है उसको कितना देना है, और नदी के जलग्रहण क्षेत्र में रहने वाली है उनका कितना है। सो आफ्टर ऑल इट इज़ ऑल बींग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इन सच ए वे दैट नदी जो है वो निरंतर लगातार और उसकी कोई आयु नहीं है, राइट। तो ये नदी का ऐसा प्रकरण होना चाहिए कि आज हमें चिंता क्यों है, क्योंकि हम ये सोचने लगे कि नदी ही हमारी मरने लगेगी, राइट। तो नदी की जो आयु है, रिजर्वायर जब हम बनाते हैं तो उसकी आयु मापते हैं 50 साल 100 साल 200, नदी की कोई आयु नहीं हो सकती है, नदी की कोई उम्र नहीं हो सकती है, नदी हमेशा के लिए है। तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जो नदी को आयु लगा दे कि 100 साल 50 साल। तो यदि नदी का कोई भी पार्ट यदि हम उसकी आयु आंकने लगते हैं कि 50 साल का रिजर्वायर है, 100 साल का रिजर्वायर, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है उसमें। तो उस सोच को हमें बदलने की ज़रूरत है। जहाँ तक रिसेंटली जो नोटिफिकेशन आया है उसको हम अपनी ना समझ कहें, मेरे को किसी पत्रकार ने बहुत अच्छा वर्ड किया कि आप ऐसे वर्ड मत यूज़ किया कि उससे सबको हर्ट होती है, उसको आप भोलापन बोलीजिए, है ना। तो हम अपना भोलापन कह ले उसके लिए, ठीक है ना। तो जो ये नोटिफिकेशन आया है वो हमारा कितना भोलापन है, ठीक है ना। पहली बात तो यह है कि ये जो नोटिफिकेशन जिसके लिए सानंद जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उनका जो डिमांड था वो ऊपरी क्षेत्रों के लिए पहले था, राइट। नीचे के उसके लिए नहीं, पर हमने नोटिफिकेशन किसके लिए निकाला, हमने नोटिफिकेशन वहाँ के लिए निकाला जहाँ अभी तुरंत कोई आवश्यकता नहीं दिखती, नंबर वन। दूसरी बात, यदि आप फ्लो को मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता था कि जो हमने फ्लो रिकमेंड किया है, ओके, आज के दिन में जो नदी में प्रवाह है जहाँ जितने भी स्टेशन पे, हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आज का जो प्रवाह है जो रिकमेंड किया है उससे कई ज़्यादा है। तो ये भी हमारा भोलापन है कि हम अभी वो नंबर के ऊपर झगड़ रहे हैं, पर 20% 30% जो भी है वो भी है। पहली बात तो इसका मैं बेईमानी का वर्ड नहीं, क्योंकि मैं जहाँ बेईमानी वर्ड यूज़ किया तो मेरे को लोग यहाँ से स्टेज से बाहर कर देंगे, राइट। तो मैं उसको भोलापन समझूँ जो भी, है ना।
तो जो 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 जहाँ नोटिफिकेशन की प्रायोरिटी होनी चाहिए थी वहाँ के लिए तो नोटिफिकेशन नहीं आया, राइट, है ना, उसके बाद जहाँ क्या और जो भी आया है वो इतना। तो मेरी यदि चॉइस होती तो मैं तो पहले ये बताता कि नोटिफिकेशन यदि निकालना है तो आप एनवायरमेंटल फ्लो का जो आकलन है उसकी जो प्रक्रिया होनी चाहिए उस प्रक्रिया के ऊपर पहले आप नोटिफिकेशन लगा लीजिए, क्यों किस प्रक्रिया से एनवायरमेंटल फ्लो का आकलन होना चाहिए। और वो प्रक्रिया जो बेसिकली है वो इन ए वे इज काइंड ऑफ डिसाइडिंग व्हाट इज पार्ट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, राइट, एंड देन वी शुड लीव द पार्ट इन द रिवर एंड टेक ओनली द प्रोडक्ट, राइट। सो शशि शेखर जी, मैं और एक कमिटी बनाई गई थी, हम तीनों ने मिलकर उसके ऊपर किया था, बट समाओ उस रिपोर्ट का आगे नहीं जा सके, उसके ऊपर पूरी प्रक्रिया थी। बट मेरे हिसाब से तो वो मेथडोलॉजी है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आंकड़े जो है वो जैसे जैसे हमारे पास प्रवाह और उसके डेटा आते जाएंगे हम उसको कर दें। हमने एक उदाहरण के तरह ऊपर के जो 8-9 प्लेसेस थे जहाँ का भी डेटा अवेलेबल था उसको उस मेथडोलॉजी को अडाप्ट करके नंबर्स का इंडिकेशन देने की कोशिश की थी। उसके ऊपर असहमति हो सकती है, कोई बोल सकता है कि नहीं आपके आंकड़े ठीक नहीं है, आपने यह, तो वो उसके लिए हम लगातार प्रयत्न करते रहेंगे कि कैसे हम अपने आंकड़े सुधारें। बट वो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के ऊपर, और जहाँ तक मेरे को पता है सानंद जी का भी उस प्रक्रिया के ऊपर पूरा सहमति थी, आंकड़ों पे नहीं थी। नहीं, सानंद जी देखिए, सानंद जी की जो बातें हैं वो जितना अभी हम जानते हैं वो कम लगा। मैं ये नहीं, लगातार के संपर्क करें, सुनिए एक बात उनकी बातों को लेकर ये बात थी, जिनको सिद्धांत दर्जन आए उनकी बातों को समझ जाए। उनका पहला था, दो बात वो बोले थे जो लास्ट उनका पूरी बानी रिकॉर्डेड बानी, कि इन सब धाराओं पर जितने प्रस्तावित और निर्माणाधीन बांध है उनको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। गंगा के हाईएस्ट फ्लड प्लेन तक वन कटान और खनन को पूरा बंद किया जाए। उसके बाद एक गंगा परिषद बने, भक्त परिषद बने, वो एक ऑटोनोमस बॉडी हो, वो निर्णय सरकारी आदमी नहीं निर्णय कर सकता है, वो निर्णय करे कि कितना जो बने हुए डैम है उसमें कितना जाना चाहिए, डैम भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। और उसके बाद उनकी बात थी गंगा को हमको दो ही बात, या तो आपको गंगा को गंगा के रूप में रखिए या भारी नदी का दर्जा। अभी ये जितनी बात कर रहे हैं वह गंगा को एक साधारण नदी की बात की, वह गंगा को कभी गंगा जी कहते थे और गंगा माँ से संबोधित करते थे, इसलिए उन्होंने गंगा के बेसिन को भी अपने इसमें हटा दिया था। वो कहते नहीं, हमको एक बार गंगा छोड़ो, इसलिए आप लोग अपना जो कीजिए कीजिए, सानंद जी के नाम से ऐसा हो। Okay, I'll stop then. No. Please, we want to know your views also. मैं जो सानंद जी का रेफरेंस लाया था, मैंने उनके मृत्यु के पहले उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था एनवायरमेंटल फ्लो असेसमेंट के बारे में, मैं सिर्फ उसी का रेफरेंस दे रहा हूँ। और उसमें उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, वो वीडियो भी है, आई कैन सर्कुलेट, पीपल हैव सीन इट, राइट, उसमें उन्होंने कहा था कि जो असेसमेंट IIT कंसोर्शियम ने किया है उसके वो सहमत है। वो खाली उसके बारे में मैं बताता हूँ, जहाँ तक गंगत्व का सवाल है, मातृत्व का सवाल है, ये अपने अपने आस्था के विषय है। और मुझे नहीं पता है कि आज का कोई भी साइंस गंगत्व को डिफाइन कर सकता है, मातृत्व को डिफाइन कर सकता है। एक रोटी जो माँ ने बनाई हुई रोटी और एक वेटर कुक ने बनाई हुई रोटी, यदि आज के साइंटिस्ट को आप दे दीजिए और पता बोल रही है कि आप डिफरेंस बता दीजिए कि मातृत्व वाली रोटी क्या है और होटल वाली रोटी क्या है, वैसे ही आज का साइंस
आप चाहे जितना विज्ञान की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि मेरे लिए वो भी नासमझ और भोलापन है जो नीरी की रिपोर्ट को कोट किया जाता है, बैक्टेरियोफेज को कोट किया जाता है। आज का साइंस जो है वो 10 साइंटिस्ट में मेरे अपोज में खड़े हो जाएंगे यदि मैं बोलूँगा कि गंगत्व जो है वो बैक्टेरियोफेज के कारण है, गंगत्व जो है वो रेडियो एक्टिविटी का कारण है। गंगत्व को कोई डिफाइन नहीं कर सकता है, तो हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। और ये सानंद से मेरी हमेशा चर्चा होती रही है कि गंगत्व और मातृत्व अपनी जगह है, वो आस्था का विषय है और आस्था का ही होना चाहिए। और यदि हम गंगा को आस्था के रूप में देखते हैं और आस्था के रूप में नियंत्रित करते हैं उसमें कोई, पर जब हम उसमें विज्ञान लाते हैं तो विज्ञान अपने तरीके से उसको देखेगा। थैंक यू।